ऑनलाइन खाना करने की सुविधा देने वाली कंपनी जोमैटो ने पूंजी जुटाने के हालिया दौर में 66 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 4,850 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी दीपेंदर गोयल ने ट्वीट कर शुक्रवार को कहा कि 3.9 अरब डॉलर के बाजार मूल्यांकन के आधार पर कंपनी ने वैश्विक निवेशों से ये पूंजी जुटाई है। इस दौरान 10 नए निवेशकों ने भी कंपनी में निवेश किया। इसमें टाइगर ग्लोबल, कोरा, लग्जर, फिडेलिटी, D1 कैपिटल, बैली, गिफार्ड, मिराय और स्टूडियो इत्यादि शामिल हैं। इससे पहले इन्फो एज की कंपनी जोमैटो ने नवंबर में लग्जर, कोरा और स्टूडियो सहित 6 निवेशकों से 19.5 करोड़ डॉलर यानी कि 1,455.4 करोड़ रुपए जुटाए थे। इस निवेश के हिसाब से जोमैटो का मूल्यांकन 3.6 अरब डॉलर बैठता है। इसके बाद जोमैटो में इन्फो एज की हिस्सेदारी घटकर 20.8% रह गई है। इस 19.5 करोड़ डॉलर में से 6 करोड़ डॉलर लग्जर कैपिटल ग्रुप LP और 5 करोड़ डॉलर कोरा इन्वेस्टमेंट से जुटाई गई। मिराई एसेट ने जोमैटो को 4 करोड़ डॉलर, स्टूडियो कैपिटल और बो वेब कैपिटल मैनेजमेंट ने 2-2 करोड़ डॉलर और बैली गिफार्ड एंड कंपनी ने 50 लाख डॉलर का निवेश किया है। बता दें कि भारतीय बाजार में खाना डिलीवरी करने का काम कोविड-19 संकट से पूर्व की स्थिति में पहुंच गया है। जोमैटो के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी दीपेंदर गोयल ने इस बात की पुष्टि की। गोयल ने खाना डिलीवरी करने के काम में आने वाले महीनों से 15-20% मास दर की वृद्धि की उम्मीद जताई। 23 मार्च 2020 से अभी तक जोमैटो ने कुल 9.2 करोड़ ऑर्डर की डिलीवरी की है। कंपनी के डिलीवरी एजेंटों में से किसी की भी कोरोना वायरस संक्रमित होने की कोई भी घटना सामने नहीं आई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।